तो बस अब मैं किचन में आ गई हूँ। आज मैं पकौड़े बना रही हूँ आलू के। तो मिस्त्री भी लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा सेक दूँगी और बच्चों के लिए भी। तो इसी वजह से मैं अभी देखो, इसमें मैंने बेसन और मसाले वगैरह डाल दिए हैं, नमक मिर्च जीरा वगैरह। तो बस अब ये घी ऑयल गर्म हो रहा है, तो मैं इसमें अब ये डाल। तो अब बस घी अच्छे से गर्म हो रहा है, मैं नमक डाल रही हूँ इसमें बेसन में, तो बेसन का पेस्ट भी बनाना अच्छे से। तो जब तक पेस्ट अच्छा नहीं बनेगा तब तो पकौड़े भी अच्छे नहीं आते हैं। तो इस वजह से तो मैं हल्का हल्का पानी डाल के और पेस्ट बना लूँगी। और मैंने ना कढ़ाई छोटी वाली गैस पे रखी हुई है, क्योंकि बड़ी वाली गैस पे थोड़े अजीब से सिकते हैं वो, मतलब कम कर लो फिर तो ठीक है, पर छोटी वाली ना कम करते हैं ना तेज़, ऐसी रहती है, तो इस पे अच्छे सिक जाते हैं। कढ़ाई भी मेरी अच्छे से गर्म हो जाएगी और फिर अच्छे से सिक भी जाएंगे, ना ज़्यादा लो रहती है ना ज़्यादा ये तेज़ रहती है, तो इसी वजह से। तो मैंने आलू और प्याज दोनों मिक्स करके काटे हैं इसी में ही, बेसन में ही। और बेसन को मैं अच्छे से कर लूँगी। और ये देखो सूजल आया है, तो मम्मी जल्दी करो, मैंने कहा हाँ बना रही हूँ। बच्चों का रहता ही है किचन में बिर आना कि बनाए कि नहीं बनाए कि नहीं, तो इसी वजह से। तो बस अब हो चुका है अच्छे से तेल गरम, और मैं इसमें अब डालूँगी पकोड़े। तो ये देखिए मैंने डालना शुरू कर दिया है पकोड़े, और तेल मेरा बहुत अच्छे से गरम हो चुका है। और मैं तेल में नहीं, मैं घी में ही बना रही हूँ इसे, तो इस वजह से रिफाइंड में यूज़ करती नहीं हूँ, क्योंकि रिफाइंड मना करते हैं घर में, तो इसलिए रिफाइंड को मैं यूज़ नहीं करती। मैं सिर्फ ऑयल और ये घी वगैरह ही यूज़ करती हूँ। तो अच्छे से मैंने इसमें डाल दिया, और ये देखो घी अच्छे से हो चुका है। तो ये बन रहे हैं हमारे गरम गरम पकोड़े, और चाय मैंने बना के रख दी थी पहले ही, अदरक वाली चाय बनाई थी। तो अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इस वजह से अदरक वाली चाय ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए पकोड़े मेरे हो चुके हैं अच्छे से, और ये मैंने इन्हें पलट दिया है, तो गर्मा गर्म पकोड़े चाय के साथ। तो आप भी खा लीजिए गर्म पकोड़े और चाय। और ये देखिए हमारा घर कैसे तोड़ रहे हैं अभी ये टूट ही रहा है, तो इस वजह से। तो आज हमारे चौक में जो पटाव हो रहा है ना, उसके लिए ऐसे पूजन हो रहा है, पटाव का पत्थर जो होते हैं रखे जाते हैं ना, तो वो उसे पूज रहे हैं मिस्त्री। तो ये देखो कैसे पूज रहे हैं, ये पत्थर पे सातिया वगैरह गाड़ के और धूप बत्ती लगा के, और जैसे पूजते हैं ऐसे ही पूज रहे हैं ये, क्योंकि ये हम बनवा नहीं सकते, हमने बताया था आपको, लेंटर वाला भी नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक ये खंभा खड़ा है हमारे घर में जब तक हम नहीं बनवा सकते, पर क्या करें बनवाना भी पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो इस वजह से मम्मी ने कहा कि पत्थरों का ही बनवा ले रहे हैं, गाटर वाला, जो कि नुकसान भी नहीं होगा ज़्यादा। तो इस वजह से अब वो ये ना, पैसे देखो मेहनत से कमते हैं, तो जब मेहनत का पैसा फिर बेकार जाता है तो दुख तो होता ही है। तो इस वजह से अभी हम ऐसे ही बनवा ले रहे हैं इसे, माता रानी चाहेगी तो देखेंगे, लेंटर वाला भी माता रानी चाहेगी तो हो ही जाएगा। तो ये मिस्त्री साहब कर रहे हैं पूजा, और पूजा इनकी हो चुकी है, और ये पत्थर को अब उल्टा रखेंगे। तो ये देखिए पत्थर रख दिया है, और देखो धूप बत्ती इसमें उल्टी मतलब जल रही है, लगाई तो सीधी थी जब पत्थर उल्टा डाला। हेलो गाइस, तो बस अभी सब कुछ हो चुका है, बर्तन साफ करने हैं किचन में। तू देख, बोल हेलो। हेलो बोल। हेलो। देखो इसके दांत नहीं है, ये देखो। कौन लगे थे दांतों को? चूहा। चूहा लग गया। अच्छा, तो बस काम हो गया है फिनिश, अब किचन में बर्तन जाएंगे तो बर्तन साफ कर लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे।
बाती जल गया तेल जल गई बाती दोनों औरतें देख के सब कुछ को चुके मैं आई तेरे आगे पर वही वही आए तेरे 9-10-20 बत्तीस जैन तेरे पूरे 25 ये सो जाइए। सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड्स को खिलाऊंगी ये लो खा लो। कर दिया।